असम में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। कांग्रेस और भाजपा की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। जोरहाट में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अपने संबोधन में प्रियंका ने कहा कि क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बागान का दौरा भी किया है, कभी महिला कार्यकर्ताओं से मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने का भी आरोप लगाया। चाय के श्रमिक हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिला, बातचीत हुई, बहुत चीजें पता चली मुझे। मुझे पता चला कि अगर एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो एक ना एक सदस्य परिवार में भूखा सोता है। मुझे पता चला कि कई सालों से उनकी उम्मीद रही है कि उनकी दिहाड़ी बढ़े, लेकिन आज तक बढ़ी नहीं है, और अगर बढ़ी तो सिर्फ चुनाव से थोड़े दिनों पहले एक कम मात्रा में बढ़ी। उनके साथ बैठकर ये बहुत स्पष्ट हुआ कि असम की जो संस्कृति है, आपकी जो अस्मिता है, उसकी रखवाली वही महिलाएं थी जिनसे मैं बात कर रही थी, वही बहनें थी। यहां उपस्थित जितनी भी मेरी बहनें हैं, ये संस्कृति जो है इसकी रखवाली आप करते हैं। चाहे कहीं से भी कोई भी नेता आए, वो ये बात ठीक तरह से समझ नहीं सकता, क्योंकि आपका जीवन आप जीते हैं, उसकी सच्चाई आप